खासेश्वर महादेव मंदिर आ गए हैं दोस्तों हम। ये वही मंदिर है जहाँ पे भगवान शिव शंकर जब बाल रूप के श्री कृष्ण के दर्शन करने आए थे, तो यशोदा मैया जो है वो डर गई थी क्योंकि उनके गले में सांप थे, बड़ी बड़ी जटाएं थी, तो उनको अपने घर में नहीं जाने दिया, नंद भवन में अंदर नहीं जाने दिया। तो महादेव जो है यहीं बगल में इसी जगह पे जो आप देख रहे हैं इसी स्थान पे समाधि लगा के बैठ गए थे। और फिर भगवान श्री कृष्ण ने चाल चली, वो रोने लगे जोर जोर से, तब जब वो बंद ही नहीं हुए, रोना उनका बंद नहीं हुआ, तब यशोदा मैया आती है यहाँ पे महादेव के पास जो कि साधु के वेश में थे, और उनको अपने नंद भवन में ले जाती है। तब महादेव श्री कृष्ण के बाल रूप के दर्शन कर पाते हैं। तो ये वही स्थान है जहाँ पे महादेव ने समाधि लगा के और यहाँ पे प्रतीक्षा की थी कि कब मैं श्री कृष्ण भगवान के बाल रूप के दर्शन करूँगा। तो यहाँ पे जो भी भक्त आते हैं उन सबकी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। काफी सुंदर मंदिर है यहाँ पे, बहुत ही शानदार बनाया हुआ है यहाँ पे। आशेश्वर कुंड बोलते हैं दोस्तों इस, ये भी बहुत ही पवित्र कुंड है। यहाँ साइड में पार्किंग के लिए काफी जगह बनी हुई है और ये तालाब है, इस तालाब को आशेश्वर कुंड बोलते हैं, आप देख सकते हैं। और बगल में यहाँ पे आपको दिखाऊं तो बालाजी महाराज यानी कि बजरंग बली की एक प्रतिमा लगी हुई है, एक मंदिर बनाया हुआ है साइड में। बहुत ही सुकून और शांति वाला एरिया है बिल्कुल ही।